टिक्के यानी जंबो थाली जिसको कहते हैं, और इसके बाद अचार कस्टर्ड है, अच्छा, और ये रायता हो रहा है हलक में मेरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्त अहबाब, कैसे हैं? आज हम फूड स्ट्रीट के हवाले से, ये हफ्ता जो है हम फूड के हवाले से दिखाएंगे, ठीक है, कि कराची के अंदर कहाँ कहाँ अच्छे खाने आपको मिल सकते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये, दूसरी चीज़ ये कि मैं इस वक्त हैदरी पर आया हुआ हूँ और ये गालिबन के ब्लॉक है, और इसमें जो है ये बावन थाली के नाम से एक पॉइंट है, एक रेस्टोरेंट है और फास्ट फूड है। अब इनकी जो बावन थाली है, जो इन्होंने बावन थाली इसका नाम रखा है, क्यों रखा है नहीं मालूम, पता करेंगे इनसे, तो ये बताएंगे हमें। और इनके पास कौन कौन से आइटम होते हैं थाली में रख के देंगे, वो थाली सोने की है या चांदी की ये नहीं पता, आ जाएं। अब देखते हैं, इनसे मालूम करेंगे इंशाल्लाह। अंदर आ जाइए। तो आज हम मालूम करेंगे, सर आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अदनान शब्बीर है। अच्छा, अदनान शब्बीर भाई, अदनान शब्बीर भाई ये बताइए, आपका जो ये फास्ट फूड का सिलसिला है इसका नाम क्या है? इसका नाम है बावन थाली रेस्टोरेंट हमारा। अच्छा, बावन थाली रेस्टोरेंट, ठीक है, आप देख रहे हैं। अच्छा, ये बावन थाली क्यों है? सर बावन थाली का मकसद ये था कि हमारे एक ज़माने में दाल चावल तो प्लेटों में होता था, फिर मेरे वालिद साहब ने बैठ के बोला कि यार क्यों ना हम इसको नई प्रेजेंटेशन दे, कि अब अक्सर बेशर जाते होंगे दाल चावल खाते होंगे मिक्स करके प्लेटों में, वो सफ़ेद प्लेट में चावल डाले दाल डाली तो वो होता है, फिर इन्होंने क्या किया थाली सिस्टम इंट्रोड्यूस करा है मेरे वालिद साहब ने। तो आप देखें हमारे पास बावन थाली के अंदर माशाल्लाह से दाल चावल की प्लेटर हैं, बिरयानी के प्लेटर हैं, पुलाव के प्लेटर हैं, जो कि हम थाली में प्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर तकरीबन हमारे 3-4 बिरयानी की किस्में, पुलाव की बहुत सी अलग अलग है, फिर दाल चावल के अंदर भी निकलते हैं, तो सारे आइटम्स को मिला के बावन थाली हो गया इसका। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब भाई हम ये देखेंगे कि जो वो थाली है जब हमारे सामने बन के आएगी, मुझे तो बड़ी भूख भी लग रही है सच्ची बात है, तो मैं वो भी खाऊँगा और आपको दिखाऊंगा कि इनके पास किस तरीके से ये सेटअप करते हैं, ठीक है। लाए, अब दिखाएंगे, मैं आगे जाता हूँ, अंदर जाकर देखते हैं। ये चावल बहुत अच्छा है लग रहा है मुझे तो, और ये दाल कौन सी वाली है? दाल बताइएगा, मूंग मसूर की दाल है। अच्छा ठीक है, अब ठीक है, ये आपकी कबाब खाली हो गई, ठीक है, इसमें ठीक है, दाल है, चावल है, शिरोज हो गया हमारे पास, चिकन शिरोज, जो चिकन, चलो सही, ये हमारा पापड़ी आ गई, ये चिकन कबाब जो बड़ा मशहूर है हमारा, ये सही, हर कस्टमर दाल चावल में खाता है, सही सही। अच्छा ये आपकी जो थाली है इसकी कीमत क्या? 190, ये 190 कबाब। अच्छा ठीक है, अच्छा अचार हमारा अपना बना हुआ, ये देखो। अच्छा ये अचार आपका अपना है, सही सही, ये कबाब थाली पक्की हो गई, सही है, ले जाओ, मैं आपको स्पेशल बनवाता हूँ। हाँ स्पेशल बनाए जरा, देखें चावल दाल स्पेशल कैसी होती है जरा, अभी देखते हैं स्पेशल थाली, ये देखो आइए बना के स्पेशल थाली आप बनाएंगे जी, ओके बनाइए। ये स्पेशल थाली बन रही है, ये
कबाब आ गया। ये क्या चीज है? चिलोज। अच्छा, ये पापड़ी चावलों के साथ? वाह भाई वाह, सही। अच्छा, ये रायता आ गया, सही है। अच्छा, ये मीठा है और ये रायता है मिर्चों वाला, सही है। और ये सैलेड आ गई, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, जबरदस्त। अचार की क्या बात है, अचार तो जबरदस्त होता है, जबरदस्त है ये, बहुत अच्छे। अच्छा ठीक है, अब हमारी थाली भी बनाइएगा, क्योंकि अब हमसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है, भूख लग रही है सही की। तो अभी हम ये थाली का इस्तेमाल करेंगे, और आप देखें, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा, और अभी हम इसको आगे के देखेंगे इस्तेमाल करके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को पूरा देखिएगा, देखें अभी आपको बड़ा मज़ा आने वाला है, ठीक है। अभी आपको देखें, ये अब हमारी जो है ना 52 थाली में की थालियाँ आ गई, और अब इसको हम इस्तेमाल करेंगे, देखेंगे कि ये क्या क्या है। यार ये तो बहुत ज़बरदस्त है, वाह हा हा, ये आ गया मक्खन और दाल, और ये है अचार, पापड़ी चावल, और ये दाल इसके साथ मिला के। मगर पापड़ी का मेरी समझ में नहीं आ रही ये क्या सिलसिला है, लेकिन चलें कोई नहीं, देखते हैं। अभी अभी आप देखिएगा इसको, हम ये देखेंगे ये क्या है, इसको खोल के देखें। ओए होए होए, तो बड़ी जबरदस्त, मेरा चाहिए तो मेरा मुंह में लग जाएगी जाके। ओए होए, आइए। अच्छा, अभी इसके साथ हमने ये करना है कि इसको ऐसे करके ये इधर करना है, ये इधर करना है, ये तो बहुत सारे आइटम हैं। अच्छा चलें, मैं कबाब को चख के देखूं कबाब कैसा है। ये इसको अचार के साथ, रायता तो मैंने खोला ही नहीं है। ओहो, हाँ अब सही है, ये आ गया रायता, और ये आ गया अचार, और ये रायता, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त है, और ये चावल के साथ जो ये मक्खन डाला हुई दाल है ना, मूंग मसूर की, इसका तो जवाब ही नहीं है। देखें चक्के, सुभान अल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मजा आ गया, बेहतरीन है। भाई ऐसी चीजें कभी कभी कहीं कहीं मिलती हैं, और ये 52 थाली के नाम से ये पॉइंट है हैदरी में और के ब्लॉक में, और इनका जो एक रेस्टोरेंट है वो मेन रोड पर भी है, ठीक है। तो बहरहाल ये कि आपको अगर मौका लगे तो यहाँ ज़रूर आइएगा, और इसको इस्तेमाल कीजिएगा, देखिएगा इसका टेस्ट कैसा। मुझे तो बहुत पसंद आया, मैं बहुत सारी चीज़ें बाज़ार की नहीं खाता, लेकिन मुझे यहाँ आना पड़ा, और यहाँ की मैंने बहुत तारीफ सुनी थी इसी वजह से। तो बहरहाल मुझे तो बहुत मज़ा आया, बाकी आप लोग जब आएंगे तो वीडियो देखें तो बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और जब आप यहाँ से जब मनीष पॉइंट पे आके और इस जगह पे ये
दाल चावल खाकर जाएं तो फिर कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि अच्छा लगेगा, ठीक है? बताइएगा टेस्ट कैसा लगा आपको, ठीक है?